वेलकम टू द चैनल आरबी फंटासी 7। तो इस स्टूडियो में हम बात करने वाले एनबीए का जो मैच होने वाला है लॉस एंजल क्लिपर्स वर्सेस यूटी जैज के बीच में। ये दोनों टीम अपने यहाँ पर फोर्थ कॉन्फ्रेंस फाइनल मैचेस खेल रहे हैं। अभी तक जो यहाँ पर तीनों मैचेस हुए, तो तीन में से पहले दो मैचेस यहाँ पर यूटी जैज ने यहाँ पर विन कर लिए थे, और जो लास्ट मैच हुआ था बहुत ज़्यादा पॉइंट के डिफरेंस यहाँ पर लॉस एंजल क्लिपर्स ने इजिली यहाँ से विन कर लिया था। लेकिन यूटी जैज के बारे में अगर मैं यहाँ से बता दूँ तो इस सीजन सबसे कम यहाँ पर मैच लॉस होने वाली इकलौती यहाँ पर टीम है यूटी जैज, और लॉस एंजल क्लिपर्स के पास यहाँ पर एक्सपीरियंस है। क्लिपर्स के लिए ये मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हारे तो सीधा टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, और क्लिपर्स की तरफ से आपको बेस्ट यहाँ पर बेस्ट प्लेयर से बेस्ट परफॉर्मेंस देख सकते हैं, जैसे इनकी तरफ से लास्ट मैच में भी आया था, और यूटी जैज का डिफेंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, फाइनल टीम और फाइनल अपडेट आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएंगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अगर लिंक वर्क नहीं करती तो टेलीग्राम पर सर्च करना @RBFantasy7। बात करेंगे दोनों टीम की तरफ से प्रोबेबल स्टार्टर प्लस इंजरी अपडेट। तो इंजरी अपडेट्स कुछ खास नहीं यूटी जैज की तरफ से। आपको यहाँ पर यम कॉलोनी जो कि यहाँ पर प्रोबेबल है आज का मैच यहाँ पर खेलेंगे, अगर खेलेंगे भी तो यहाँ पर 99% चांसेस है, टाइम लिमिटेशन के साथ खेल सकते हैं, तो अवॉइड कर सकते हो। जे क्लार्सन एज ए बेंच प्लेयर खेलेंगे, बेस्ट बेंच प्लेयर है। टॉनिक मिचेल यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, विभाग डोनिक और जो इंग्लिश यहाँ पर प्रोबेबली एज ए स्टार्टर देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ पर कोहली 100% फिट होते तो फिर यहाँ पर कोहली भी यहाँ पर जे इंग्लिश की जगह पर यहाँ पर स्टार्ट करते, लेकिन फिलहाल कोहली के बारे में कोई कन्फर्म नहीं। जो इंग्लिश यहाँ पर एज ए स्टार्टर देखने को मिलेंगे, आरोन हिल्स डिफेंसिव खेलते एज अ स्टार्टर खेलेंगे, रिसेंटली मैचेस में परफॉर्मेंस बेस्ट आए, और रूबी गोबर्ट यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबल फाइव स्टार्टर आपको देखने को मिल सकते हैं यूटी जैज की तरफ से, जिन्होंने लास्ट मैच में भी स्टार्ट किया था, प्रोबेबल आज का मैच में भी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। क्लिपर्स की तरफ से जैक्सन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, लियोनार स्टार्ट करेंगे, पिजॉर्स स्टार्ट करेंगे, शूटिंग गार्ड से यम मॉरिस और यन बोटोमा यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पावर फॉरवर्ड से, और यहाँ पर यन बोटोमा जो है तो यहाँ पर सेंटर से स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबल फाइव स्टार्टर आपको देखने को मिल सकते लॉस एंजल क्लिपर्स की तरफ से। बात करेंगे लास्ट मैच का परफॉर्मेंस प्लस यहाँ पर डीएल प्लस स्मॉल लीग यहाँ पर कॉम्बिनेशन। बाकी अगर जैक्सन के बारे में अगर बता दूँ तो ये प्लेयर ऑलमोस्ट 100% अपोनेंट के पास आपको देखने वाला है, जिस तरीके से इसका यहाँ पर लास्ट मैच का यहाँ पर परफॉर्मेंस आया था। जे क्लार्सन का जो लास्ट मैच का परफॉर्मेंस रहा था जैक्सन का टाइम बेस्ट मिलता है, परफॉर्मेंस बेस्ट आया है। लास्ट मैच 29 मिनट खेलकर 17.1 रिबाउंड 3 असिस्ट और 1 स्टील जो सेकंड मैच रहा था तो यहाँ पर भी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आया था, और ये प्लेयर मुझे नहीं लगता कोई इनको ड्रॉप करेगा। बेस्ट क्रेडिट से और प्लस यहाँ पर एज ए स्टार्टर देखने को मिल रहा है, और रिसेंटली दो मैचेस में अपने यहाँ पर बेस्ट फॉर्म में। लियोनार का लास्ट मैच सबसे बेस्ट गया था, लास्ट मैच अगर देखेंगे लियोनार का 38 मिनट खेलकर 34.12 रिबाउंड 5 असिस्ट 1 ब्लॉक और 2 स्टील जो सेकंड मैच रहा था लियोनार का, 39 मिनट खेलकर 21.4 रिबाउंड 5 असिस्ट और 2 स्टील। बाकी पहले दोनों मैचेस जो थे तो फ्लॉप रहे थे, और सभी टीम यहाँ पर डिपेंडेंट है लियोनार। अगर लियोनार यहाँ पर चल गए तो फिर यहाँ पर इस क्लिपर्स की टीम यहाँ पर विन करने के लिए यहाँ पर स्ट्रांग है। बाकी यहाँ पर अगर क्लिपर्स की तरफ से लियोनार फ्लॉप हो जाते तो ये टीम यहाँ से हार सकती है, ईजिली यहाँ पर हार सकती है, क्योंकि यूटी जैज का डिफेंस प्लस ऑफेंस दोनों यहाँ पर स्टार्ट है। केनार को ट्राई कर सकती है जेल में, जो कि खेलेंगे एज ए बेंच प्लेयर। पॉल जॉर्ज क्रेडिट के हिसाब से ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लास्ट मैच में भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा था, लेकिन यहाँ पर लियोनार्ड की अगर बात करो तो इन्होंने रिबाउंड असिस्ट और ब्लॉक और स्टील से ठीक ठाक रिमेलोन पॉइंट दे दिए थे। बाकी यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर अटेम्प्ट ऑफ शॉट भी ऑलमोस्ट सेम किए थे, और कनेक्ट भी यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम हुए थे, बस यहाँ पर रिबाउंड यहाँ पर लियोनार्ड के ज़्यादा थे। बाकी यहाँ पर पॉल जॉर्ज यहाँ पर बेस्ट विक आपको मिल जाएंगे। टेरिस माना ट्राई कर सकते हो जेल में, एज ए बेंच प्लेयर खेलेंगे। रिसेंटली मैचेस अगर देखेंगे मना के तो लास्ट मैच में टाइम बेस्ट मिला था, परफॉर्मेंस बेस्ट आया था। बाकी मैं इनको ज़्यादा यहाँ पर स्मॉल लीग के लिए रिकमेंडेड नहीं करूँगा, ट्रस्टेड प्लेयर ने आउट ऑफ फॉर्म में इन्फॉर्म नहीं है अभी फिलहाल। बाकी यहाँ पर ट्राई कर सकती जेल स्मॉल लीग दोनों के लिए, लेकिन स्मॉल लीग के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की। यम मॉरिस जो कि यहाँ पर खेलेंगे डिफेंसिवली स्टार्ट करेंगे, यम मॉरिस को ज़्यादा मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा फिलहाल। मैंने इनको यहाँ पर जो सेकंड मैच हुआ था उस मैच में यहाँ पर रिबेलन टीम में लिया था, और वहाँ पर इन्होंने हमें यहाँ पर वन साइडेडली विन करवा दिया था रिबाउंड के चलते। बाकी अगर यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर यन बोटोमा जो भी यहाँ पर सेंटर से खेलते हैं और ये भी ठीक ठाक रिमाउंड करते, अगर यहाँ पर यम मॉरिस रिबाउंड नहीं देते तो फिर यहाँ पर पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा कम शूट करते हुए देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनका रोल ही है यहाँ पर डिफेंस, तो इनके यहाँ से आप अवॉइड कर सकते हो। बाकी यहाँ से किसी को भी मैं यहाँ से रिकमेंडेड नहीं करूँगा, डी काउंसन और आइजोबैक दोनों यहाँ से खेलेंगे। बाकी यहाँ पर यसी बकस इनके और उसी के साथ साथ डी ऑक्ट्रूस यहाँ पर दोनों यहाँ पर खेलने रहे, तो दोनों के यहाँ पर लेने का कोई मतलब भी नहीं। बाकी दोनों को जेल में रिकमेंडेड करूँगा, वो भी यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप चाहो तो, बाकी इतने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं जेल के लिए। यम कॉलोनी खेलेंगे तो फिर टाइम लिमिटेशन के साथ खेलेंगे, जेरिन क्लार्कसन खेलेंगे एज ए बेंच प्लेयर, टी फॉरेस्ट आज इनको यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम टाइम देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पर यम कॉलोनी खेलेंगे फिलहाल।
टी फॉरेस्ट को अभी तक यहाँ पर टाइम कम ही मिलता आ रहा है एज अ बेंच प्लेयर है, बाकी यहाँ पर अवॉइड कर सकते हो। बाकी लास्ट मैच का जो परफॉर्मेंस रहा था, यंग जे क्लार्सन एज अ बेंच प्लेयर खेलकर 31 मिनट खेलकर 14 पॉइंट, 3 रिबाउंड, 3 असिस्ट, 2 सिक्स, 1 स्टील। रिसेंटली मैचेस में टाइम इनको बेस्ट मिला। अगर यंग कॉल नहीं खेलते तो अराउंड यहाँ पर 25 मिनट खेलेंगे, अगर नहीं खेलते तो 25+ मिनट आपको यहाँ से खेलते हुए देखेंगे क्लार्सन। डोनिक मिचेल स्टार्ट करेंगे, ऑफेंसिव चार्ज हैंडलर यूटीएस आज की तरफ से। लास्ट मैच का परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो डोनिक मिचेल का 32 मिनट खेलकर 30 पॉइंट, 5 रिबाउंड, 4 असिस्ट, 2 सिक्स, 2 स्टील। जो सेकंड मैच रहा था मिचेल का, 39 मिनट खेलकर 37 पॉइंट, 3 रिबाउंड, 4 असिस्ट। बेस्ट जीएल स्मॉल लीग पर भी आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे बिबॉग डोनिक, ये सबसे बेस्ट यहाँ पर जीएलपी के। रिसेंटली अगर इनके मैचेस, तीनों मैचेस का अगर यहाँ पर परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ पर इतने अटेम्प्ट ऑफ शॉट के लिए भी नहीं जा रहा, ज़्यादा प्रीफर कर रहे यहाँ पर डिफेंस, और इनके तरफ से परफॉर्मेंस आना बाकी है। अगर ये प्लेयर परफॉर्मेंस कर देंगे तो आपको यहाँ पर ईजिली यहाँ पर वन साइडेडली विन करवा देंगे। बाकी टाइम सबसे बेस्ट मिलता है अगर देखेंगे, लास्ट मैच में भी यहाँ पर टाइम बेस्ट मिला था लेकिन अटेम्प्ट ऑफ शॉट बहुत ज़्यादा कम कर रहे। जो सेकंड मैच रहा था टॉप परफॉर्मेंस बेस्ट आया था, लास्ट मैच यहाँ पर फ्लॉप गए थे। जो थर्ड मैच रहा था यहाँ पर भी देखेंगे, तीनों मैचेस में इनको यहाँ पर बेस्ट टाइम मिल रहा है। अगर जो मेरा रेगुलर वीडियो देख रहा है उनको पता है अगर यहाँ से यम कॉलोनी नहीं खेलते तो हमेशा यहाँ पर बॉगडोनिक के यहाँ से बेस्ट टाइम यहाँ पर ये टीम देती हुई आ रही, और आज का मैच भी आपको यहाँ पर बेस्ट टाइम यहाँ पर खेलते हुए देखेंगे। जो इंग्लिश इनके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं, ये भी प्लेयर ऑलमोस्ट 100% अपन उनके पास होता है। बाकी यूटीज आज की तरफ से आरोन लिल्स स्टील और ब्लॉक से ठीक ठाक पॉइंट देते, बाकी यहाँ पर प्रीफर करते डिफेंसिव। लास्ट मैच इन्होंने अटेम्प्ट ऑफ शॉट भी किए थे तो ठीक ठाक कनेक्ट भी होते, 2 स्टील, 2 असिस्ट, 6 रिबाउंड और 6 12 पॉइंट इनकी तरफ से आए थे। सेकंड मैच रियोन लिल्स का टोटली फ्लॉप रहा था लेकिन टाइम बेस्ट मिलता है, डिफेंसिव खेलते हैं। अगर यहाँ पर स्टील और ब्लॉक दे दिए तो ठीक ठाक रिमोन पॉइंट दे देंगे। जॉर्ज नेंग एज ए क्रेडिट से वो ट्राई कर सकते हो, जो कि खेलेंगे बेंच प्लेयर, ज़्यादा कुछ यहाँ पर प्रीफर इनको भी नहीं करूँगा। रूबी गोबर्ट जेल के लिए बेस्ट पिक, सेकंड मैच में अगर देखेंगे तो इन्होंने 20+ 20 रिबाउंड दिए थे ऑलमोस्ट, और लास्ट मैच में यहाँ पर रूबी गोबर्ट का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो ठीक ठाक आया था, 12 पॉइंट, 10 रिबाउंड, 1 ब्लॉक और 1 स्टील। रूबी गोबर्ट की स्ट्रेंथ थे रिबाउंड प्लस यहाँ पर ब्लॉक बढ़िया करते, लास्ट मैच में इनके ब्लॉक भी कमाए थे और रिबाउंड भी कमाए थे। बाकी जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर 20 रिबाउंड, 6 असिस्ट, 3 ब्लॉक और 2 स्टील, बहुत ज़्यादा रिमोलोन पॉइंट दे रहे थे। बाकी जेल के लिए स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेड प्लेयर है, 6 असिस्ट डोनिक पे खेलेंगे एज ए मैन प्लेयर, ज़्यादा करके यहाँ पर इनके पास इनके साथ यहाँ पर आए थे क्रेडिट से और जा रहे। लास्ट मैच टोटली फ्लॉप रहे थे 2.4 रिबाउंड के साथ। जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर -1 पॉइंट उन्होंने दिए देते थे, तो बाकी इनको भी ज़्यादा मैं यहाँ से रिकमेंडेड नहीं करूँगा। बाकी एज ए क्रेडिट से और अगर यहाँ पर आपके पास यहाँ पर रूबी गोबर्ट को नहीं लेना तो फिर यहाँ पर डोनिक फेवर के यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज रूबी गोबर्ट या सेंटर से आपको बेस्ट वीक यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी अगर बात करूँगा ड्रीम इलेवन टीम तो रुकी जैक्सन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, उसी के साथ साथ लियोनार लास्ट मैच इनका बेस्ट गया है, इनको भी ट्राई कर सकते हो। अगर लियोनार को लेने ना तो फिर यहाँ पर डोनिक मिचेल, पी जॉर्ज आपको जो इंग्लिस जो कि 100% आप उनके पास देखने को मिलेंगे, इयान बोटुमा ये भी प्लेयर 100% आप उनके पास आपको देखने को मिलेंगे। डोनिक फेवर के साथ यहाँ पर लोग क्रेडिट से और जा रहे तो फिर यहाँ पर फिलहाल मे भी यहाँ पर एज ए क्रेडिट से और जा रहा हूँ। बाकी यहाँ से रूबी गोबर को अगर ट्राई करना है तो फिर बहुत ज़्यादा क्रेडिट के इशू यहाँ से आपको फेस करना पड़ेगा। बाकी ये जो टीम है तो जेएल के लिए रिकमेंडेड करूंगा रूबी गोबर को, बाकी स्मॉल लीग के लिए डोनिक फेवरी थोड़े से यहाँ पर सेफ पिक मुझे यहाँ से लग रहे। बाकी आरोन लिल्स रिसेंटली मैचेस में उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था। बाकी अभी जो 8 प्लेयर थे तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लार्सन के साथ जा सकते हो, उसके साथ साथ यहाँ पर आप जा सकते हो बॉगडोनिक के साथ। क्लार्सन आपको यहाँ पर अराउंड यहाँ पर 29 to 30 मिनट खेलते हुए दिखेंगे, उसी के साथ साथ यहाँ पर बॉगडोनिक की अगर बात करो तो बॉगडोनिक यहाँ पर आपको 35+ मिनट यहाँ पर खेलते हुए दिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बॉगडोनिक आउट ऑफ फॉर्म है, इनकी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस आना बाकी। बाकी यहाँ पर स्मॉल लीग के लिए थोड़ा सा आप यहाँ पर रिस्क लेके बॉगडोनिक को ट्राई कर सकते हो, अगर सेफ जाना है तो क्लार्सन के साथ यहाँ पर जा सकते हो। ये मेरी ड्रीम इलेवन टीम ऑलमोस्ट फाइनल ड्रीम इलेवन टीम ने, इसमें चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी नहीं, और ये थोड़ी सी यहाँ पर सेफ टीम है प्लस यहाँ पर क्लैश टीम है। आप अगर चेंजेस करना ही चाहते हो तो फिर यहाँ पर लियोनार्ड को भी यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपको लियोनार्ड को पिक करना है। लास्ट मैच जैसा इनका लियोनार्ड का रहा था उसके अकॉर्डिंग लास्ट मैच का परफॉर्मेंस देख के ये भी आप चेंजेस कर सकते हो। बाकी मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर डोनिक मिचेल के साथ मैं सेफ हूँ, और उसी के साथ साथ पॉल जॉर्ज के साथ भी यहाँ पर मुझे थोड़ा सा यहाँ पर सेफ लग रहा है। बाकी अगर चाहते हो तो जॉर्ज के साथ यहाँ पर आप रूबी गोबर को भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हो जीएल के लिए। बाकी स्मॉल लीग के लिए पॉल जॉर्ज और डोनिक मिचेल का कॉम्बिनेशन मुझे थोड़ा सा सेफ लग रहा है, उसी के साथ साथ यहाँ पर डोनिक मिचेल की जगह पर लियोनार्ड का ये भी कॉम्बिनेशन आपके पास अवेलेबल है तो ये भी आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो। बाकी आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा, उसके साथ साथ आपने लाइक और सब्सक्राइब भी किया होगा,
तो मिलते फाइनल टीम के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर। यस पी 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 चॉइस की अगर बात करूँ तो मिचेल आपके पास बेस्ट एस पी चॉइस, पी जॉर्ज आपके पास बेस्ट पी पी चॉइस। अगर यहाँ से आप लियोनार्ड को पिक करते हो तो फिर यहाँ पर लियोनार्ड आपके पास यहाँ पर बेस्ट एस पी चॉइस और उसी के साथ साथ यहाँ पर पी जॉर्ज यहाँ पर आपके पास बेस्ट पी पी चॉइस। बाकी रिकमेंडेड करूँगा स्मॉलिंग में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कम ही रखना, क्योंकि दो तीन प्लेयर ऐसे ही जिन पर यहाँ पर टोटली मैच डिपेंडेंट होने वाला है और कोई भी यहाँ पर इनके साथ यहाँ पर कन्फर्म शो नहीं कि यहाँ पर कौन यहाँ पर परफॉर्मेंस करेंगे। बाकी लियोनार्ड का लास्ट मैच में यहाँ पर बेस्ट आए और डोनिक मिचेल अगर यहाँ पर अटेम्प्ट ऑफ शॉट ठीक ठाक कर लेते और कनेक्ट भी अच्छे खासे कर ले तो आपको पता है ये प्लेयर जो होते यहाँ पर 30-30+ यहाँ पर अटेम्प्ट ऑफ शॉट यहाँ से करता है। बाकी मिलते फाइनल टीम के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर।